हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ डॉक्टर युता चंद्राकर। आज हम कुछ आयुर्वेदा के बारे में पढ़ते हैं। आयुर्वेदा में एक डिसीज़ है जो ह्रस्व श्रोतस की व्याधि है, जिसे कहते हैं पांडु रोग। तो आज हम पांडु रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। पांडु रोग ह्रस्व श्रोतस की व्याधि है। पांडु रोग को अगर हम मॉडर्न साइड से सोचें कि ये क्या हो सकता है, तो इसे एनीमिया से हम कोरिलेट कर सकते हैं, बट कह नहीं सकते कि पांडु ही एनीमिया है। अगर हम पांडु रोग की बात करें तो अलग अलग आचार्यों ने इसके अलग अलग भेद कहे हैं, उसकी अलग अलग संप्राप्तियाँ कही है। तो हम चूँकि रोग निदान वाले हैं तो हम माधव निदान को फॉलो करते हैं। तो माधव निदान ने चरक को का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि पांडु रोग जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पांडु रोग अस्मिता पच्च वात पित्त कफ स्त्रय चतुर्थ सन्निपातेन पंचमो भक्षणान वृद वात पित्त कफ सन्निपात एन ऋतिका भक्षणजन्य पांडु। सुश्रुत ने 4 प्रकार के पांडु कहे हैं। इन्होंने जो मृतिका भक्षणजन्य पांडु है उसका वर्णन नहीं किया है। जो मृतिका भक्षणजन्य पांडु होता है यह ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि वह मृतिका का भक्षण करते हैं। और ये जो मृतिकाएँ होती है वो अलग अलग दोषों से प्रधान होती है, इसलिए उन दोष मिट्टियों में जो जो दोष रहते हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो पांडु है उसके दोष या फिर उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। पांडु रोग के हेतु और संप्राप्ति के बारे में अगर हम देखें तो व्यायामम अम्लम लवणानी मध्यम मृदम दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम निषेवम आणस्य प्रदुष्यम रक्तम दोसास त्वचम पांडुरता नयंती। अत्यधिक व्यायाम करने से, अम्ल एवं लवण के सेवन करने से, मदिरा के सेवन करने से, मृदम मतलब मृदा के सेवन करने से, दिवा स्वप्न दिन में सोने से, तीक्ष्ण पदार्थों के अति सेवन करने से जो दोष होते हैं वो दूषित होते हैं, और ये जो दोष दूषित होकर रक्त को दूषित करते हैं, और रक्त को दूषित करने के कारण त्वचा में पांडु वर्ण को उत्पन्न कर देते हैं, और इसे ही पांडु कहा गया है। पांडु रोग के पूर्वरूप, सर्वप्रथम जब ये दोष को दूषित करते हैं तो इसमें कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें कि इसका पूर्वरूप कहा गया है। त्वक स्फोटनम अष्टिवनम गात्र साधम मृद भक्षण प्रेक्षण कूटसोथा वीणमूत्र पितत्व यथा विपाको भविष्यस्य पुरः सराणी। इसमें बोला त्वक स्फोटना मतलब त्वक का विदार फट जाना, अष्ठीवन बार बार थूकने की प्रवृत्ति, गात्रसाद गात्र मीन्स शरीर, तो गात्रसाद मतलब शरीर में शिथिलता, मृद भक्षण और मिट्टी खाने की इच्छा का होना, अक्षणकूट सोत अक्षी गोलक में सूजन का होना, वीण मूत्र पितत्वम वीण मतलब मल और मूत्र का पीला होना, अविपाको भविष्यस्य मतलब भोजन का पूर्ण रूप से परिपाक नहीं हो पाना, उसका पाचन नहीं हो पाना, पक्व रस से आगे जो धातुएं होती है वो प्रॉपरली नहीं बन पाती है, इसलिए रस धातु दूषित हो जाती है। ये पांडु रोग के पूर्वरूप कहे गए हैं। हम पांडु के भेदों के बारे में देखते हैं तो प्रथम है इसमें वातिक पांडु। वातिक पांडु में कहा गया है त्वग मूत्र नयनादीनाम रुक्ष कृष्णा अरुणाभता वात पांडु आमिये तोद कंपनामाह भ्रमादय। मतलब इसमें त्वक मूत्र और नयन जो त्वचा होती है, मूत्र होती है और नेत्र होते हैं, ये रुक्ष कृष्ण और अरुण, रुक्ष कृष्ण मतलब काला, अरुण मतलब विकृष्ण वर्ण का दिखाई देता है। वात पांडव आमे भी, और ये जो वात पांडव का व्यक्ति होता है उसमें तोद मतलब सुई के चुभने के समान पीड़ा कंपन अनाह और भ्रम, ये वातिक लक्षण दिखाई देते हैं। पैतिक पांडु पीत मूत्र सक्र नेत्रो दाह तृष्णा ज्वरान्वित भिन्न विटको अपित अति पीताभ पिंड पांडवामी नरह। इसमें जो मूत्र रहेंगे वो पीत वर्ण के दिखेंगे, और जो मल रहेंगे वो भी पीत वर्ण के, नेत्र रहेंगे वो भी पीत वर्ण के, और इसमें दाह तृष्णा और ज्वर मिलेगा। इसके साथ में पूरा शरीर जो होता है वो अति पिताभ वर्ण का दिखता है, ये पित्तज पांडु के लक्षण हैं। उसके बाद है कफज पांडु। कफज पांडु में कफ प्रशेकम श्वेथु तंद्रा आलस्य अति गौरव है पांडु रोगी कफा शुक्ल त्वंग मूत्र नयनान है। कफज पांडु में मुख से कफ प्रशेक मतलब मुख से कफ का स्त्राव होना, श्वेथु मतलब सूजन, यहाँ पे वो छवथु नहीं है, श्वेथु मतलब सोत, तंद्रा आलस्य अति गौरव मतलब शरीर का भारीपन, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके साथ में त्वचा मल मूत्र और मुख का जो वर्ण होता है वो शुक्लय, शुक्लय मतलब श्वेत वर्ण का हो जाता है। इसके पश्चात है त्रिदोषज पांडु। त्रिदोषज पांडु जो होता है तीनों दोषों से मिले हुए लक्षण इसमें रहेंगे, तो इसमें ज्वर अरोचक हल्लास छर्दी तृष्णा कलामित पांडु रोगी त्रिविर दोष त्याज्य छीणो हतेंद्रिय। इसमें ज्वर अरोचक मतलब अरुचि,
अरुचि मतलब यहाँ पे अरोचक जो कहा गया है वो भोजन के प्रति भी रहेगी और साथ में कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती। हल्लास, हल्लास मतलब मिचली, नौजिया जिसको कह सकते हैं। छर्दी, वमन, तृष्णा, प्यास, क्लम बिना परिश्रम के थकावट। एंड छीनोहत इंद्रिय, इंद्रियों का जो अपनी विषय को ग्रहण करने की शक्ति होती है, मतलब जो पंच ज्ञानेन्द्रियाँ होती है या पंच कर्मेंद्रियाँ होती है, तो वो अपने जिन जिन विषयों को ग्रहण करती है उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। इस प्रकार से जो रोगी रहेंगे उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो त्रिदोषज पांडु को असाध्य कहा गया है। उसके पश्चात है मृतिका भक्षणजन्य पांडु। मृतिका भक्षणजन्य पांडु में हम देखेंगे तो जो अलग अलग मृतिकाएँ होती है उसमें अलग अलग उनके दोष कहे गए हैं। जैसे मृतिका धनम शीलस्य कुप्य अन्यतमो मलह कसाय मारुतम पित्त मूसरा। कसाय मारुतम मतलब जो कसाय प्रधान मिट्टी होती है वो वात को बढ़ाती है, मारुत मतलब वात, पित्त मूसरा उसर मिट्टी जो होती है वो पित्त को, और मधुरा कफम, और जो मधुर प्रधान मिट्टी होती है वो कफ को। कोपियन मृद सादिश्य रोक्षयाद भुक्तम च रुक्षेत। और ये जो होती है मिट्टी उन सभी को अपने अपने दोषों को प्रकोपित करते हुए रुक्ष गुण के कारण भोजन और रस धातुओं में को भी रुक्ष कर देती है, और जब रस धातु जो होंगे उनके स्रोतस अगर अवरोध उत्पन्न होंगे तो आगे की धातुएं भी अवरोधित होती है। इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो वीर्य ओजसी तथा पांडु रोगम करोत्याशु बलवर्ण अग्नि नासम। इस प्रकार से इंद्रियों की जो बल होती है उसकी विषय ग्रहण की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इसमें ओज जो होती है, तेज होती है, वीर्य होती है, ये इनका नाश होता है, और बल और वर्ण और अग्नि का नाश हो जाता है। इसके पश्चात देखते हैं मृतिका भक्षण जन्य पांडु में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। सून आक्षी मतलब अक्षीकोट में सूजन, कूटगंड भ्रू कूट अक्षीकूट के पश्चात गंड मतलब जो कपोल भाग है, भौ मतलब आईब्रो, सून पान अभिमेना नाभि और मुतेंद्री में सूजन आ जाती है। कृमि कोष्ठ उदर में कृमि का हो जाना, अतिसारियत मलम साक्री कफ नान्वितम मतलब कि जो अतिसार होगा वो यहाँ पे रक्त और कफ से मिश्रित रहेगा। इस प्रकार के अतिसार जो होते हैं हमें मृत भक्षणजन्य पांडु में मिलते हैं। इसके पश्चात पांडु रोग के साध्यता एवं असाध्यता। जो अत्यधिक पुराना पांडु रोग चिरोत्पन्न खरी भूत न सिद्ध्यति मतलब जो बहुत ही खरी भूत हो गया है, बहुत अधिक समय बीत गया है, बहुत ही रुक्ष हो गया है, वो चिकित्सा के योग्य नहीं होता। और जिस व्यक्ति को पीतान पश्यति मतलब सभी ओर पीला दिखता है, बद्धाल्पविट बद्ध अल्पविट मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सहरितम सकफम सो अतिसार्यते दीनम श्वेता अतिरिक्धम छर्दी मूर्छार्थ अर्दितः सनास्यत्य सृक क्षयाद्यश्य पांडु श्वेतस्य आपनुयात। मतलब जो कफयुक्त पांडु होता है उसमें जो उसका मल रहेगा वो हरा रहेगा और अत्यल्प मात्रा में रहेगा, उसे असाध्य समझेंगे। और जो व्यक्ति सभी चीज़ों को पीला देखता है वो पित्तयुक्त होने के कारण असाध्य होगा, और जो व्यक्ति हर्ष रहित रहेगा, वमन मूर्छा प्यास से बेचैन है, वो भी असाध्य है, और जिसका शरीर पूरी तरह से श्वेत वर्ण से लिप्त हो गया है वो भी असाध्य की श्रेणी में कहा गया है। थैंक यू।